उज्जैन के माकड़ोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का विवाद अब थम गया है। इस मामले में कलेक्टर और एसपी ने दोनों पक्षों के साथ बैठक करके समझौता करवा दिया है। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने के लिए कहा। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने माकड़ोन में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही दोनों ही पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा भविष्य में माकड़ोन में शांति और आपसी सामंजस्य बनाए रखने का आश्वासन भी दिया गया। बैठक में तय हुआ कि अंबेडकर बस स्टैंड पर अंबेडकर और सरदार पटेल की मंडी चौराहे पर मूर्तियां लगाई जाएंगी। हम ये चाहते थे कि पाटीदार समाज और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मिलकर जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगाए और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी लगाए, और आज ये सर्वमान्यता से तय हुआ है कि बाबा साहब की प्रतिमा माँ जो है बाबा साहब बस स्टैंड के अंदर लगेगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो है चौराहे पर लगेगी। ये सर्वमान्य से हुआ है, और जो भी प्रकरण दर्ज हुए हैं दोनों पक्षों के खिलाफ, वो दोनों पक्षों के खिलाफ संवैधानिक ढांचे में लेकर कलेक्टर और एसपी उनसे मदद करेंगे और उसमें उसका निराकरण हो जाएगा। इस तरह से सबको न्याय और सबका विकास होगा, ऐसी हमारी शुभकामना है। आपको बता दें कि मकड़ोन में 24 जनवरी की रात अज्ञात लोगों ने मंडी चौराहे पर लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति लगा दी थी, जिसके बाद 25 जनवरी की सुबह मूर्ति देखते ही कुछ उपद्रवियों ने मूर्ति तोड़ दी थी, जिसके चलते दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ था। इस घटना में एक एसआई होमगार्ड जवान घायल हो गए थे। फिलहाल 3 दिन पहले इस बवाल में पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 72 लोगों पर केस दर्ज किए। 19 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, एमपी तक।